नमस्कार और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में, जिसमें हम चर्चा करते हैं देश विदेश से आए कुछ अच्छी खबरों के बारे में। शुरुआत करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। यूपीएससी के उम्मीदवारों को मिला मुफ्त में प्रशिक्षण। एक शिक्षक करता है किसानों के परिवारों की मदद। सिग्नल पर खड़ा कलाकार लोगों को समझाता है नियम। आंध्र प्रदेश के जरूरतमंदों की मदद करता है एक फोटोग्राफर। नागरी सेवकों के एक समूह ने टॉपर के साथ 25 यूपीएससी उम्मीदवारों को मार्गदर्शन किया। लेते हैं इस उपक्रम की ज्यादा जानकारी। यूपीएससी के 761 सफल उम्मीदवारों में से टॉपर सहित 25 से अधिक को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स यानी NACS द्वारा आयोजित इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के तहत उपयुक्त मार्गदर्शन किया जाता है। बिहार के कटिहार जिले के शुभम कुमार ने जहां पहला रैंक हासिल किया है, वहीं कई अन्य लोगों ने भी अच्छे गुण हासिल किए हैं। ये मार्गदर्शन कार्यक्रम यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बिहार और झारखंड के अधिवासित सेवारत तथा सेवानिवृत्त नागरी सेवकों द्वारा मुफ्त में आयोजित किया जाता है। नागरी सेवाओं के लिए 8 अधिकारियों द्वारा 2014 में स्थापित NACS उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित कक्षाएं आयोजित करता है। सिद्धपेट के शिक्षक राजू ने संकटग्रस्त परिवारों की मदद करने के लिए 2500 घरों का दौरा किया। उनका यह उपक्रम आज भी जारी है। सुनते हैं उनकी कहानी। राजू, जो सिद्धपेट के जिले में एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं, 2001 से अब तक राज्य भर में लगभग 2500 घरों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है और उनका सफर आज भी जारी है। शोक संतप्त परिवारों में राजू विश्वास पैदा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि समाज के कुछ लोग आज भी उनकी कदर करते हैं। पुली राजू इन किसानों के परिवारों का दस्तावेजीकरण, अनुसंधान तथा मदद कर रहे हैं, जो पिछले 2 दशकों से समाज का पेट भरने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए मारे गए हैं। प्रभावित परिवारों का दौरा करके वह पीड़ित किसानों और उनके रिश्तेदारों के जीवन का दस्तावेजीकरण करते हैं और उन कारणों की जांच करते हैं जिनके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। समान विचारधारा वाले लोगों से हाथ मिलाने के बाद उनका ये व्यक्तिगत प्रयास एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जो ऐसे परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। कंपनियों और पेशेवरों को दाताओं के रूप में शामिल करने के बाद उन्होंने प्रभावित परिवारों के बच्चों को उनकी शैक्षणिक तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद की है। उन्हें 2019 में रायथू नेस्तम पुरस्कार तथा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी अपने को खोने के बाद उसने लोगों को नियमों के बारे में शिक्षित करना शुरू कर दिया। जानते हैं इस अनोखे कलाकार के विषय में। हैदराबाद में सिग्नल पर सही जगह मिलने के बाद ये कलाकार जागरूकता के नारे लगाना शुरू करता है। एक समय था जब वो काफी भीड़ को आकर्षित कर रहा था और एक मंच के कलाकार के रूप में काम करके अच्छा पैसा भी कमा रहा था। ऐसे में एक दुर्घटना ने नुकाजी के जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। तब से नुकाजी यातायात नियमों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। उस घटना में एक प्रिय व्यक्ति को खो देने के बाद इस कलाकार ने नागरिकों को यातायात के नियम के बारे में शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया। तब से नुकाजी नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर शिक्षित कर रहे हैं और इसलिए वे रोज 2 घंटा खर्च करते हैं। ये कलाकार हर सुबह अपने आकर्षक पोशाक में निकल पड़ता है। उसकी गूंजती आवाज पिछले कुछ सालों से हैदराबाद के व्यस्त सिग्नलों पर मोटर चालकों का ध्यान खींच रही है। ऐसे समय में जब गति सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में होते हैं, नुकाजी सुरक्षित रूप से ड्राइव करने की आवश्यकता पर नागरिकों के लिए शिक्षा का उदाहरण पेश कर रहे हैं। कुरनूल में 46 साल का ये फोटोग्राफर पिछले 18 सालों से जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। कुरनूल में 46 साल का यह फोटोग्राफर पिछले 18 सालों से
जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। एस खाजा बाशा, जिसे एसके के नाम से जाना जाता है, कुर्नूल के रहने वाले हैं। वह बुजुर्गों तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों को पेंशन प्रदान करते हैं। इसके साथ वह विकलांग लोगों के लिए ट्राइसिकल भी दान करते हैं। वर्तमान में वह कम से कम 70 बुजुर्गों और मानसिक रूप से विकलांग लोगों को अपनी जेब से 200 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करते हैं। ऐसे बुजुर्ग जिन्हें विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण सरकार से पेंशन नहीं मिल रही है, उन्होंने 50 से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को तिपाहिया साइकिल वितरित की है। वह सन 2002 से अपने पैसे से या अपने दोस्तों की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। और इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।